everyone, and welcome to AAA Ace Accounts with me Anikant. This is Entrepreneurship with Ease. हम आ चुके हैं मार्केटिंग मिक्स के आखिरी वीक प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और अब प्रमोशन पर. ये एक क्विक रीकैप वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं. तो प्रमोशन मिक्स के अंदर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रमोशन मिक्स आखिर है क्या. प्रमोशन मिक्स वो सारी एक्टिविटीज जो एंटरप्राइज करता है ताकि उसका प्रोडक्ट या सर्विस नोन हो जाए यूजर्स को या इन ट्रेड में या मार्केट में. प्रोडक्ट की नॉलेज कंपटीशन को पहुंचे, मार्केट को पहुंचे, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सभी प्रमोशन मिक्स में आती है. प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो समझने से पहले कुछ टॉपिक्स हमें और समझने हैं. तो सबसे पहले टॉपिक है इधर जो बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, सेल्स स्ट्रेटजी. सेल्स स्ट्रेटजी क्या होता है, चलिए समझते हैं. तो सेल्स स्ट्रेटजी वो एक प्लान है जो आपकी ब्रांड को पोजीशन देगा और आपकी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा मार्केट के अंदर. उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सेल्स स्ट्रेटजी होती है. सेल्स स्ट्रेटजी की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है सेल्स स्ट्रेटजी करने का, स्ट्रेटजाइज करने का आपकी सेल्स को, तो आपको देखना है आपके लॉन्ग टर्म सेल्स गोल क्या है. पर्सनल करियर गोल्स भी देखिए सेल्स पर्सन का, ताकि उनके गोल्स आपके गोल्स से अलाइन हो, ताकि दोनों गोल्स एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होगा और सेल्स पर्सन भी सेटिस्फाइड रहेंगे. ये सब करने से आपको सेल्स का साइकिल पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कब सबसे ज्यादा बिकता है, कितने टाइम में वो आउटडेटेड हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, टेक्नोलॉजी एक्सपायर हो जाती है. इससे हेल्प मिलेगी आपको और नॉलेज मिलेगी. ये पता पड़ेगा कि सेल इंटरवल क्या रहती है, आपका प्रोडक्ट आज परचेज हुआ तो अगली बार कब परचेज होगा, सीजनल चेंजेस क्या क्या आते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स में कौन सा फ्लेवर, कौन सा वेरियंट ज्यादा किस सीजन में बिकता है, इस तरीके से आप आपकी सेल्स टीम को मोटिवेट कर सकते हैं. ये सब आपको करने में हेल्प होगी अगर आप सेल्स स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं. तो आप मंथली वीकली सेल्स स्ट्रेटजी टारगेट्स बना सकते हैं, सेल्स स्ट्रेटजी बना सकते हैं और वो बेस्ड रहेगी आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर. तो ये टॉपिक था सेल्स स्ट्रेटजी. आइए अब हम समझते हैं कि इसके बाद कितनी तरह की सेल्स स्ट्रेटजी होती है. टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी दोस्तों दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी, एक इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी. दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. वेरी सिंपल, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी के अंदर मैं डायरेक्टली अपने कंपटीशन को अटैक करूंगा, मैं उसके प्रोडक्ट को कंपेयर करूंगा, अपने प्रोडक्ट से अपने फीचर्स को हाईलाइट करूंगा, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा. ये एक नेगेटिव सेलिंग अप्रोच भी कही जाती है. इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी के अंदर मैं सटल तरीके से अपने प्रोडक्ट के फीचर्स हाईलाइट करूंगा, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, अपने फीचर्स हाईलाइट करूंगा, बेनिफिट करूंगा और अपने प्रोडक्ट के फायदे या नुकसान लोगों को बताने की कोशिश करूंगा. तो ये होगी टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी. इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसके पीछे वाले पे क्वेश्चन बनने के इतने चांसेस नहीं है. प्रमोशन स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी और सेल्स स्ट्रेटजी में डिफरेंशिएशन करना समझ लीजिएगा. प्रमोशन पूछा है तो ये आंसर करना है, सेल्स स्ट्रेटजी पूछा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, दोनों में कंफ्यूज मत होना. प्रमोशन स्ट्रेटजी तीन होती है, ATL, BTL, TTL. ये एब्रीवेशन मैंने नहीं बनाए, बुक में दे रखे हैं. ATL इज अबव द लाइन, BTL इज बिलो द लाइन, TTL इज थ्रू द लाइन. आइए समझते हैं ये तीनों होते क्या है. ATL इज अबव द लाइन. अबव द लाइन मतलब एक लाइन खींची हुई, लाइन के पार आपकी ऑडियंस है, आपके कस्टमर्स हैं और लाइन के ऊपर आप हैं, तो आप एक मास ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं. तो अबव द लाइन स्ट्रेटजी में लार्ज ऑडियंस रहेगी और जो मीडियम होगा प्रमोशन का वो मास मीडिया होगा, टीवी, ऑनलाइन, न्यूज़पेपर, रेडियो एक्सेट्रा. बिलो द लाइन स्ट्रेटजी के अंदर यू आर टारगेटिंग अ सर्टन ग्रुप और मे बी इवन एन इंडिविजुअल. तो यहाँ पर आप फोकस्ड रहेंगे, एक क्यूरेटेड सा प्रमोशन का मेथड रहेगा. तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पर्सनल सेलिंग हो सकती है, ये हो गया बिलो द लाइन. थ्रू द लाइन के अंदर ATL और BTL का कॉम्बिनेशन चलता है, आप लार्ज ऑडियंस को भी कवर कर रहे हैं कभी कभी, और कभी कभी आप डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं. जैसे एयरलाइंस हैं तो एयरलाइंस के ऊपर एडवर्टीजमेंट है आपकी कंपनी का और एयरलाइन के अंदर जो फ्लाइट स्टीवर्ड या एयर होस्टेस है वो प्रोडक्ट को पर्सनली भी जाकर पिच कर रही है. तो ये बिलो द लाइन और थ्रू द लाइन, दोनों बिलो द लाइन और अबव द लाइन का कॉम्बिनेशन हो गया थ्रू द लाइन. तीन तरह की प्रमोशन स्ट्रेटजीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. आइए अब हम आते हैं प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स पर. जो भी न्यूमरोलॉजिकली नंबर्ड है, मतलब 1, 2, 3, ये प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट एडवर्टाइजिंग की. एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं. इट इज अ पेड फॉर्म, किसी को पैसे दिए, फ्री में होती है तो वो पब्लिसिटी होती है.
एडवर्टीजमेंट नहीं होता, इम्पर्सनल है, पर्सन टू पर्सन होता है, वो पर्सनल सेलिंग है, आप बोल रहे हैं, अगला सिर्फ सुन रहा है, मास मीडिया के थ्रू है, इम्पर्सनल होती है एडवर्टाइजिंग हमेशा। एडवर्टाइजिंग के अंदर दो टॉपिक्स हमें समझने हैं, एक रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एटीएमसी मैंने बनाया है लर्न करने के लिए, बुक मैंने दे रखा, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको एग्जाम में ये एब्रीविएशन यूज ना करें। और दूसरा है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, इसकी बाद में करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन रूल्स का ध्यान रखना है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एटीएम और सी का, ये मैंने बनाया हुआ, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए इज एम, किस पर्पस के लिए आप एड बना रहे हैं, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स बता रहे हैं कि मतलब आपने वन ऑन वन फ्री दे रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएंट आया है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, पर्पस क्या है ऐड का, टारगेट आपका टारगेट कौन है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप किसको रीच कर रहे हैं, मेल्स फीमेल्स अडल्ट्स टीनेजर्स सीनियर सिटीजन जो भी हैं, तो वो पता होना चाहिए ताकि आप एडवर्टीजमेंट उसी तरीके से ड्राफ्ट करें, उसी तरीके का सेलिब्रिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एडवर्टीजमेंट का स्ट्रक्चरिंग वैसे करें ताकि आपका टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो, सबसे ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट आए आपके ऐड को देखने की। मीडिया किस मीडियम के थ्रू आप एडवर्टीज करना चाहते हैं, टेलीविजन रेडियो ऑनलाइन एक्सेट्रा, देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड मीडियम्स अवेलेबल। कंपटीशन क्या कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर एम इज टू बीट द कंपटीशन, ग्रैब द कस्टमर्स ऑफ योर कंपटीशन, तो कंपटीशन क्या कर रहा है उसको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको अपना एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है जो आपके कॉम्पिटिटर से बेटर लगे, और कस्टमर आपके एडवर्टीजमेंट और कॉम्पिटिशन के एडवर्टीजमेंट को कंपेयर करके आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करे, तो कॉम्पिटिशन का भी ध्यान रखना है। दीज आर रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एम क्या है, टारगेट क्या है, मीडिया क्या यूज करेंगे और कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक इफेक्टिव एड आपको बनाना है तो उसके लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है, दैट इज ए आई डी ए, ये बुक के अंदर दे रखा है, सो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज ए आई डी ए, और आप एग्जाम के अंदर इसको साइट भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ए आई डी ए के अंदर चार नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, रूल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कब बनेगा, जब वो अटेंशन आए एडवर्टीजमेंट को देखते ही, जो पासर बाय से उनका अटेंशन जाए एडवर्टीजमेंट की तरफ, इंटरेस्ट क्रिएट हो के वो उस एडवर्टीजमेंट को और पढ़े, सिर्फ देख के फिर लगे अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान रहना चाहिए वहां पे, तो उनका इंटरेस्ट हो के वो उस एडवर्टीजमेंट को पूरा पढ़े और जाने उसके बारे में, डिजायर क्रिएट होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट देख के, जो ऑडियंस एडवर्टीजमेंट को देखने वाली उनके मन में डिजायर आनी चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, और एक्शन भी हो जाए वो एक्चुअली परचेज कर ले, तो एडवर्टीजमेंट और पॉइंट ऑफ परचेज जो होता है वो ज्यादा पास होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एड होगा। ऊपर एडवर्टीजमेंट है, नीचे शॉप है, या एडवर्टीजमेंट में कोई क्यू आर कोड दे रखा है या साइट का एड्रेस दे रखा है ताकि कंज्यूमर उसी समय उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले, तो एक्शन हो जाए डिजायर के साथ, वो एक मोस्ट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा। तो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट ए आई डी ए, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड देन एक्शन, सो दीज वर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, पहला एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट। एडवर्टीजमेंट के बाद आता हूँ पर्सनल सेलिंग पे, वेरी वेरी सिंपल, पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट्स पर्सनली, सेलिंग पर्सनली, पर्सनल सेलिंग प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सामने से बेचना, इसके समय जो आपका सेल्स पर्सन है उसको पर्सुएसिव होना पड़ता है, उसका उसके अंदर सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बायर, उनके सभी क्वेश्चन का आंसर करिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो ये हो गया पर्सनल सेलिंग। तीसरे नंबर पे आते हैं सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन वो सारी टेक्निक्स है जो लगाई जाती है ताकि प्रोडक्ट की सेल्स बढ़े, एक प्रोडक्ट बिक रहा हो उससे ज्यादा बिके, वो सारी टैक्टिक्स, वो सारी गिमिक्स जो आप करते हैं वो सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है, जैसे वन ऑन वन फ्री, गोल्ड कॉइन निकलेगा, 20% एक्स्ट्रा, ये सारी जो चीजें होती हैं सेल्स प्रमोशन में कवर होती है। सेल्स प्रमोशन बेसिकली बिलो द लाइन है क्योंकि आप टारगेट ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं। सेल्स प्रमोशन किन किन तरीकों से किया जाता है, आप कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो एवरी 100 कस्टमर विल गेट सम बोनस या फ्री प्रोडक्ट, कूपन्स दे सकते हैं 20% 30%, या ये कूपन आएगा जिसको आप अगली परचेज पे रिडीम कर सकते हैं। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स क्या हो सकती है, आप सेमिनार्स और वर्कशॉप क्रिएट कर सकते हैं अपने होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, इवेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं,
ट्रेड के अंदर आपके प्रोडक्ट का ट्रेड बढ़े, मतलब रिटेलर आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बेचे, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अगर वो 1 लाख यूनिट्स परचेज करेगा तो उसको बोनस स्टॉक दे दीजिए, उसको रिवॉर्ड्स दे दीजिए, उन रिवॉर्ड्स को वो प्रोडक्ट्स के बदले रिडीम कर सकता है या कोई ट्रिप ले सकता है या कुछ भी फायदा उठा सकता है उसका। आपकी सेल्स फोर्स जो आपके प्रोडक्ट को बेच रही है उनको कमीशन दीजिए ज्यादा बेचने के, अवार्ड्स दीजिए, कंपटीशन करिए, जो सबसे बेस्ट करेगा उसको कुछ ट्रिप या कोई गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन जो कॉमन नॉलेज पे बेस्ड है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। सेल्स प्रमोशन के बाद जो चौथा एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, वो चौथा एलिमेंट है जी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के अंदर पब्लिक लिटरली मींस पब्लिक, पब्लिक के अंदर कस्टमर्स आ गए, पोटेंशियल कस्टमर्स आ गए, जो कभी कस्टमर्स नहीं बनेंगे, जनरल पब्लिक भी आ गई, आपके सप्लायर्स आ गए, आपके एम्प्लॉयज आ गए, गवर्नमेंट आ गई, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन पब्लिक। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि इस पब्लिक से अच्छे रिलेशन रखना, क्योंकि रिसोर्सेज सोसाइटी के हैं, सोसाइटी आपको परमिट कर रही है ये रिसोर्सेज यूज करने के लिए, आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे तो ये किसी और को अलॉट हो जाने चाहिए, ये कॉमन प्रिंसिपल बोलता है। पब्लिक रिलेशन की अगर डेफिनेशन आती है 1 मार्क पे, तो आपको क्या लिखनी है, डेलिब्रेट, इच्छा से किया हुआ, प्लान्ड, सोच समझ के साथ, सस्टेन, आज भी रहे और कल भी मेंटेन रहे, यूं नहीं कि शॉर्ट टर्म पीरियड पे खुश रखना है या एक कॉर्डियल रिलेशन रखना है, लॉन्ग टर्म एम्बिशन है आपकी कि एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे। तो डेलिब्रेट, प्लान्ड और सस्टेन्ड एफर्ट है एस्टैब्लिश करने का, मेंटेन करने का, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक, दीज आर पब्लिक रिलेशंस। आई होप पब्लिक रिलेशन आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गए एलिमेंट्स आपके प्रमोशन मिक्स के। इसके साथ प्रमोशन मिक्स में पार्टनरशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले दो टॉपिक हैं, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइबर बनिए, मेरे चैनल को इससे फायदा होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस बनाने के लिए। बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियो आए। और मैं विश करता हूँ, मेरी पूरी तहे दिल से ये आशा है और मेरी विशेस हैं कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों और आपका दिन जबरदस्त निकले। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए।